कि इटावा से लेकर लखनऊ तक सैकड़ों धरने किए हैं। इटावा में बहुत बड़े से बड़े आंदोलन, जिसमें कि कैंडल मार्च, एनपीएस की शव यात्रा, बाइक रैली से लेकर लखनऊ हजरतगंज विधानसभा में बहुत लाठियां खाई हैं। हमने एक साथी को गंवाया है, साथी का नाम था डॉक्टर रामाशीष, जनपद कुशीनगर से। हमारे सामने उस पर लाठियां भाजी जा रही थी और सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में जब रात में 2 बजे उसकी डेड बॉडी के पास थे तो समूचा अटेवा परिवार रो रहा था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय माननीय अखिलेश यादव जी थे, वो 5 कालिदास मार्ग से सिविल हॉस्पिटल आने में उनको बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में शिक्षक कर्मचारियों ने उनको दिखा दिया। वर्तमान सरकार क्या कर रही है? ऐश्वा लागू कर रही है। ऐश्वा क्या है? भारतीय संविधान हम लोगों को स्वतंत्रता, समानता की आजादी देता है। जब भी हम धरने की बात करते हैं, गवर्नमेंट हम पर ऐश्वा लगा रही है। मैं तानाशाही सरकार के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोए। साथियों, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोए, और जो सबसे नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। ए आसमान में उड़ने वालों, मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को यहां से ललकार रहा हूं। ए आसमान में उड़ने वालों, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। साथियों, यहां भाषणबाजी करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी आत्मा अंदर से रो रही है, क्योंकि जो साथी हमारे अभी एनपीएस धारी रिटायर हुए हैं, उनको वाकई में किसी को 951 रुपए, किसी को 1250 पेंशन बनी हुई है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी सेवा तभी करेंगे जब रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी। हमारे कॉलेज के एक साथी हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर निर्भय सिंह जी, अगर यहां बैठे हो थोड़ा हाथ उठा दें सर। अब हमारे सर का चेहरा देखिए और हमारा चेहरा देखिए। मैं सर से बहुत छोटा हूं, लेकिन सर के चेहरे में जो चमक है ना, वो नेचुरल चमक है, क्योंकि सर को पेंशन मिलेगी। तालियां, क्योंकि हमारे आदरणीय सर जी को पेंशन मिलेगी, लेकिन डॉक्टर आशुतोष यादव, डॉक्टर अटेवा को पेंशन नहीं मिलेगी। मुझे रिटायरमेंट के बाद परचूनी की दुकान खोलनी ही पड़ेगी। इसलिए साथियों, मैं 2 लाइनें अपनी तरफ से पेंशन गीत गाना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा तालियों से सहयोग कर दें प्लीज, मात्र शक्तियां कि पेंशन हक है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।